दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्रोजेक्ट चैनल पे। इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। यह इन्फॉर्मेशन वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो छात्र छात्राओं का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर ऑनलाइन आवेदन के समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो यही चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। सोचो अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। तो दोस्तों डिग्री पार्ट वन में एडमिशन को लेकर जो आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसमें सबसे पहले 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए। इसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर हुआ जो सादा पे जो सिग्नेचर होगा वो चाहिए, आपका एक ईमेल आईडी चाहिए और एक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। ठीक है, इसमें ओटीपी आएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट होंगे और यूजर नेम और पासवर्ड जो क्रिएट होंगे वो अगले 3 साल तक जब तक आप डिग्री का कोर्स करेंगे तब तक वही यूजर नेम और पासवर्ड और वही मोबाइल नंबर आपका काम आएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो इतना चीज आप लोगों को पहले ही चाहिए। इसके बाद जो आप लोगों से आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे आपको याद रहनी चाहिए कि आप किस कैटेगोरी के छात्र हैं, जनरल के हैं, बीसी के हैं, ओबीसी के हैं, एससी एसटी है, ईबीसी है, तो ये चीज आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। और इसमें गलती नहीं करिएगा आप लोग, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताइएगा। तो अगर आपको याद नहीं है कि हम किस कैटेगरी के छात्र हैं तो आपके पास 10वीं के रजिस्ट्रेशन कार्ड होंगे, 10वीं के रजिस्ट्रेशन कार्ड होंगे, उस पर आपका कैटेगोरी उस पर आपका कैटेगोरी जनरल होगा, ईबीसी होगा, बीसी होगा या बीसी वन होगा, वो चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एक बार 10वीं के रजिस्ट्रेशन कार्ड पे एक बार देख लीजिए कि आप किस कैटेगोरी के छात्र हैं और उसी कैटेगोरी के हिसाब से आप आवेदन फॉर्म फिलअप करिएगा। इससे यह होगा कि आप जिस कैटेगोरी के छात्र छात्राएं रहेंगे उसी कैटेगोरी के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि मेरिट लिस्ट जो निकलती है क्या 10th और 12th के मार्क के हिसाब से निकलती है, तो जी नहीं। आपके मेरिट लिस्ट जो कॉलेज में एडमिशन को लेकर के निकलेंगे वो आप जिस भी सब्जेक्ट को अपना ऑनर्स बनाना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में 12th में जितना ज्यादा अंक रहेगा तो उतना बेटर, उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलता है। केवल आपके एक सब्जेक्ट का ही मेरिट लिस्ट निकलेंगे। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो उसमें 45% या 45% से ऊपर तो अंक जरूर होगा, तो उसी को आप जो है ऑनर्स के रूप में रख सकते हैं। 45% अंक रहनी चाहिए, आप जो सब्जेक्ट को ऑनर्स बना रहे हैं उसमें कम से कम 45% अंक रहने चाहिए, और उससे अच्छा रहा, जितना ज्यादा रहा वो बेटर रहा तो आपको बेटर कॉलेज मिलेगा। तो ज्यादा प्रयास रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा अंक है और आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है तो आप लोग उस सब्जेक्ट को ऑनर्स के रूप में चयन करिए। मिथिला यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन के समय आप मैक्सिमम 5 कॉलेज का चयन कर सकते हैं और उसी में से किसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा जो कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही होगा। तो ज्यादा प्रयास क्या रखना है आप लोगों को कि आप अपने ऑनर्स में जो सब्जेक्ट रखेंगे उसमें कितना अंक है, जिस प्रकार से अंक होगा उसी प्रकार के कॉलेज का आप चयन करिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका है कि मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका है कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल आप ऑनलाइन आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, आप जब ऑनलाइन आवेदन करिएगा ना तो जितने भी चीज आप भरिएगा तो वो 10th के सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, उसी के हिसाब से अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी के नाम, जन्मतिथि, कैटेगोरी, तो सभी चीज जो है आप उसी के हिसाब से भरिएगा और सही सही भरिएगा। ठीक है, गलती नहीं करिएगा, तो बाद में कहिएगा कि सर हमें इस चीज में गलती हो गया, इस चीज में गलती हो गया, तो पहले तो आपको प्रयास करना है कोई भी चीज गलती नहीं भरना है। धरफड़ी में आपको फॉर्म तो भरना ही नहीं है। अगर आप पेमेंट कटाइएगा ना, पेमेंट कटाइएगा तो आप पेमेंट पेज को रिप्लेस नहीं करिएगा, नहीं तो आपका पैसा कट जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल भी नहीं होगा। तो इतना चीज आप लोगों को याद रखना है। अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।